सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना था। जैसे ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ये Realme Buds Wireless 3 इस फोन में, ये Realme Buds Air 5 Pro इस फोन में। यहाँ जो मेन आप देखोगे, यहाँ पे जो ऑडियो सैंपल आपको दिख रहा है, ये AAC इसमें मिलता है और इसमें आपको मिलेगा LDAC। ओके, अब इसके ट्रांसफर रेट्स दोनों के अलग है। जो AAC है आपका 44 किलोहर्ट्ज पे सेट है और ये जो है 96 किलोहर्ट्ज पे है। दोनों का जो डिफरेंस है यही आने वाला है आपको, जो पैसा पे कर AAC का पे कर रहे हैं। और जो आपका बिट रेट्स है ये 16 बिट्स तक ही रहता है। 32 बिट अगर हम करेंगे तो वापस से, अगर मैं ऐसे करूंगा, ये देखिए 16 बिट्स पे वापस से सेट हो गया। ओके, ये जो है मैक्सिमम 32 बिट्स पे रहता है। और ये जो अगर आप 96 किलोहर्ट्ज के नीचे देख रहे हैं, ये 192 किलोहर्ट्ज, ये LHDC वर्जन 5 या तो LHDC जितना रहता है इसी में आपको 192 किलोहर्ट्ज मिलने वाले हैं। ओके, तो यहां पे मैंने दिखा दिया। और यहां पे जैसे अपन यहां पे सेट कर सकते हैं बेस्ट ऑडियो LDAC कोडेक प्लेबैक क्वालिटी। यहां पे अपन को हर समय, अगर ये ओरिजिनल ऑप्टिमाइज फॉर ऑडियो क्वालिटी, जितना हाई ट्रांसफर रेट दिख रहा है वो चीज हम इसमें नहीं कर सकते, मतलब Realme Buds Wireless 3 में हम नहीं कर सकते क्योंकि AAC कोडेक है। और एक और चीज मैं अभी बता दे रहा हूं, LDAC में रखोगे ANC चालू रहेगा, 2 घंटे चलने वाले, 2 से 2.5 घंटे चलने वाले, उससे ज्यादा नहीं चलने वाला। जितना ज्यादा आपका हाई क्वालिटी ऑडियो उतना ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने बैटरी बैकअप में। ओके, समझ जाओ, अगर आप एक प्रीमियम चीज ले रहे तो प्रीमियम आपको मेंटेनेंस खर्चा भी तो लगता है। ऑडी BMW मर्सिडीज लेना बहुत आसान है, उसके बाद के जो खर्चे आते हैं उसको मेंटेन करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जितना आपको हाई क्वालिटी ऑडियो यहाँ पे दिख रहा है, LDAC 96 किलोहर्ट्ज, 32 बिट सैम्पलिंग रेट, उसके बाद आपका बेस्ट ऑडियो इफेक्ट जो है आपको एकदम ऑप्टिमाइज चाहिए, 990 kbps, ये सब में 2 से 2.5 घंटे ही चलने वाले। 2 से 2.5 घंटे मतलब आपका अगर बैकअप पूरा, अगर मान भी लो 0 to 100 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 से 2.5 घंटे में ही मिलने वाला है, उतना ही मिलेगा बैकअप जितना ज्यादा हाई क्वालिटी है ना, क्योंकि मेरे टेस्टेड है, 3 घंटे ही चलता है जिनमें मैं यूज करता था। और ये नथिंग जैसा ही है, उतना ही मिलता है। इवन जो आपका नथिंग वाला भी, उसमें भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है। LHDC में भी ANC चालू करके रखता हूं तो वैसे ही 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा ही मिलता है। तो आप भी मान के चलो 2.5 से 3 घंटा मैं बोल रहा हूं, अगर आप LDAC और AAC अगर चालू रहेगा तो थोड़ा और कम भी हो सकता है। ओके, तो जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी उतना कम बैटरी बैकअप मिलने वाला है आपको। अगर ये 20-26 घंटे कितना तो चलता है ये, एक मिनट देखता हूं, अगर ये 0 to 100 ANC ऑन के साथ AAC कोडेक में 20.5 घंटे अगर ये चलता है तो भूल जाना कि ये 20.5 घंटे टोटल चलने वाला है 0 to 100। 2.5 से 3 घंटा 10-12 घंटे ही चलने वाले हैं LDAC और ANC में। ओके, फुल ऑन एकदम अगर चालू रहेगा तो, समझ गए होगे आप। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 कनेक्टेड है, यहाँ पे सेरनेड में रखे हैं हम और स्पेशल ऑडियो चालू ही मैं टेस्ट कर रहा हूँ। डायनेमिक बेस इतने में मीडियम में ही रखा हूँ, मतलब जो नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है वही आपको बेस सुनाई देगा, बाकी आगे जाके मैं कम ज्यादा कर दूंगा। ओके, उसके जो सॉन्ग एज यूजुअल हम यही रखे और हमारा जो वॉल्यूम के पॉइंट्स है 16 तक जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स तक ही हम रखे हैं। ओके, चलिए इसी में टेस्ट करते हैं फिर। और एज यूजुअल गाइस ये है एप्पल म्यूजिक ऑडियो क्वालिटी, आप देख लीजिए हाई रिस्क लिखा हुआ है, लॉसलेस ऑडियो में ही लिखा हुआ है, इसी में हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे हाई रेस लॉसलेस पे रखा ही हुआ है मैंने, और सेटिंग्स में मैं यहाँ पे 990 kbps कर दे रहा हूँ, जैसे कि दिख रहा है ओप्पो में भी किया था, अभी मैं रियलमी में कर दे रहा हूँ। ओप्पो के जैसा 96 किलोहर्ट्ज तक ही जा सकता है, 192 नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमने जैसे बोला कि रख दिया है 990 kbps, इसी में हम टेस्ट करने वाले हैं। सो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेरनेड मोड रख दिया है, मतलब वोकल से आपका गोल्डन साउंड यहाँ पे ऑफ रहेगा और आपका स्पेशल ऑडियो जो है वो चालू रहेगा। यहाँ पे LDAC आपका चालू रहेगा, डायनेमिक बेस मैंने न्यूट्रल पे रखा हुआ है, 0 पे मतलब डिफॉल्ट पे, और वॉल्यूम एनहांसर भी चालू है। अभी हम इसी में स्टार्ट करेंगे और बेस का मैं दिखाते रहूंगा अगर आपको बेस बढ़ाना है तो कैसा क्या होगा करके, ठीक है। और गाइस वॉल्यूम जो है मैं 6 पॉइंट्स तक ही रख रहा हूँ ताकि इसके माइक डिस्टॉर्ट मत हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लाउड है रियलमी, इसलिए 6 पॉइंट्स तक ही रखूंगा, इतना ही रखूंगा गाइस, ठीक है। I need to kick the
stop, my mind is breathing in. Freak out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो गाइस जैसे देख सकते हो ओरिजिनल साउंड में हमने यहाँ पे रख दिया है और डेस्ट फेशियल ऑडियो चालू है, डायनेमिक बेस भी चालू है, मीडियम पे रखे वॉल्यूम एनहांसर चालू है। सो गाइस मैंने एक पॉइंट वॉल्यूम बढ़ाया है 6 या 7 के, थोड़ी मेरे को क्राफ्ट में थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा था तो मैंने 7 पॉइंट्स पे रखा है। सो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओरिजिनल साउंड पे यहाँ पे रख दिया है ओके और बाकी आपका गोल्डन साउंड एज यूजुअल ऑफ ही रखा, ओप्पो में भी ऑफ ही रखा था, स्पेशल ऑडियो यहाँ पे चालू है, एलडेक चालू है, डायनेमिक बेस हम इसको अभी न्यूट्रल पे कर देते हैं 0 डिफॉल्ट पे और वॉल्यूम एनहांसर चालू है गाइस ओके। और मैं वॉल्यूम जो है 6 पॉइंट्स तक ही रखा हूं, देख लीजिए इतना ही रखूंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा ताकि इसके माइक डिस्टॉर्ट मत हो, ऑलरेडी ये रियल में बहुत लाउड है। और फिर से आपको दिखा देता हूँ एलडेक का क्वालिटी, यहाँ पे 990 kbps है, 96 kHz बिट सैम्पलिंग रेट। सो गाइस जैसे देख सकते हैं अभी हमने प्योर बेस में रख दिया है और बैक करेंगे तो स्पेशल ऑडियो चालू है, डायनामिक बेस मिड पे ही है हमने रख दिया है, वॉल्यूम एनहांसर स्टार्टेड है और वॉल्यूम जो है 6-7 पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट बढ़ाया था ओरिजिनल साउंड में, देखते अगर वॉल्यूम अगर इसमें मेरे को ग्राफ में ज्यादा लगा तो 1 पॉइंट कम करूंगा ओके। I played it innocent, a feeling.
सो गाइस, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्योर बेस पे रखा हुआ है, मतलब आपका ट्रेबल के साथ तो बेस भी आएगा। इसमें गोल्डन साउंड ऑफ है, स्पेशल ऑडियो आपका चालू है, डायल डेक जो है वो भी चालू है, डायनेमिक बेस न्यूट्रल पे, वॉल्यूम एनहांसर चालू है, और एज यूजुअल आपका ये जो केबीपीएस 990 केबीपीएस पे सेट है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डीप बेस में हमने यहाँ पे रख दिया है, और एज यूजुअल हमारा जो वॉल्यूम है 7 पॉइंट्स पे ही है। इसी में हम टेस्ट करने वाले, बैक जाएंगे तो आपको एज यूजुअल स्पेशल ऑडियो चालू है, डायनेमिक बेस मिड में कर देते हैं, वॉल्यूम एनहांसर ऑफ कर देते हैं। ओके, और गाइस जैसे देख सकते हो डीप बेस मैंने रख दिया है, यहाँ पे गोल्डन साउंड ऑफ है, स्पेशल ऑडियो चालू है, एलडेक चालू है, डायनेमिक बेस न्यूट्रल है, वॉल्यूम एनहांसर चालू है, और आपका 990 केबीपीएस पे हो रहा है, और वॉल्यूम मैंने इतना ही रखा। ओके, 6 पॉइंट्स तक।
सो गाइस अभी हम कस्टम में टेस्ट करने वाले हैं। ये मेरा पर्सनल इक्वलाइजर और मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ काफी अच्छे से, जिसमें भी आपको इक्वलाइजर मिलता है आप उसमें ऐसे ही सेट करिए, रियलमी वन प्लस है ना उसमें जैसा आता ऐसे ही सेट करिए, बढ़िया आपको साउंड मिलने वाला है। ओके, स्पेशल ऑडियो यहाँ पे चालू है, डायनेमिक बेस हमने मीडियम मतलब डिफॉल्ट पे रखा, बेस मतलब जीरो ही है, डिफॉल्ट जो रहेगा वही आएगा। वॉल्यूम एनहांसर हमने चालू रखा है, वॉल्यूम एज यूजुअल हमको 7 पॉइंट्स तक वही रखा, उसी में टेस्ट करें। ओके, सो गाइस जैसे देख सकते कस्टम इक्वलाइजर मैं ऐसे सेट करके रखता हूँ अपने लिए, और बेस जो कंट्रोल करना मैं इससे बेस कंट्रोल करता हूँ, और सॉरी ये यहाँ पे ऐसा रहता है 5, 4, 3 और ये 0। ओके, ऐसा रहता है, तो अभी मैं बेस जो कंट्रोल करना रहता है इससे करता हूँ। ओके, अभी अब बाहर दिखा देता हूँ आपको, गोल्डन साउंड ऑफ है एज यूजुअल, स्पेशल ऑडियो चालू है, एलडेक चालू है, डायनेमिक बेस को हम 0 करते हैं, और बेस को हम मैं इसको फुल रखता हूँ, और ये जो चीज है इससे कंट्रोल करता हूँ। ओके, और ये ऐसा रख दे रहा हूँ। चलो अब इसी में टेस्ट करते है, एज यूजुअल आपका जो 990 के बेस पे सेट है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 6 पॉइंट्स तक ही रखा हूं मैं। Burning the bridge that keeps us.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. सो गाइस, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 कनेक्टेड है और हमारे पास एक कमेंट आया था इनका, सर प्लीज टेस्ट Realme Air 5 डायनेमिक बेस वर्सेस Realme Wireless 3 नेकबैंड डायनेमिक बेस. ओके, ये इनका कमेंट आया था, अभी देखते हैं सेट होता है क्या. सो गाइस, जैसे कि उन्होंने बोला कि डायनेमिक बेस टेस्ट करने, मैं आपको बता दें क्या नाम है इनका, नाम नहीं पता, वर्ल्ड हैकर करके लिखे हुए. आप जब भी बेस वेस के कोई भी गाने टेस्ट करोगे, कोई भी सॉन्ग टेस्ट करोगे, तो आपको स्पेशल ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा. और आपको अब ये दोनों के बेस के बारे में बात अगर करोगे, जैसे कि वो बोल रहे थे, तो देखिए इसमें जो है दोनों में ही आपको स्पेशल ऑडियो ऑफ करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप बेस वाले गाने आपके पूरे डिस्टॉर्ट होने वाले हैं. ठीक है, पहला तो ये चीज. दूसरा, अगर आप इसमें बेस वेस टेस्ट करोगे तो आपको डायनामिक बेस ऑफ करना पड़ेगा, स्पेशल ऑडियो भी ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट डुअल ड्राइवर. और दोनों में बेस कौन अच्छे से मतलब झेल सकता है, मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि 13.6 mm के ड्राइवर्स है और इसमें सिर्फ 11 mm के ड्राइवर्स है, तो झेलने वाली जो कैपेसिटी बोलूंगा वो इसमें ज्यादा है आपका Realme Buds Wireless 3 में. इसमें 11 mm है इसलिए, और सामने इसके कवर करके ट्विटर भी रख दिया गया है कि ज्यादा अच्छे से हैंडल बेस जो है इसको कर सकता. अगर आप इसमें बेस वेस के कुछ भी सॉन्ग सुनते हैं तो आपको डायनामिक बेस ऑफ करना पड़ेगा, भले ही आप डीप बेस में रखे या तो फिर कस्टम में रखे, और स्पेशल ऑडियो भी आपको ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके ड्राइवर्स जो है वो आपको ना फ्लिकर होते हुए समझ में आएगा. ओके, मतलब ऐसा लगेगा अंदर के ड्राइवर्स पूरे ऐसे हिल रहे हैं और आपस में टकरा रहे, वैसा आपको फील होगा ही होगा चाहे आप कुछ भी कर लो. उसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, फिलहाल तो अभी इसी में मैं टेस्ट करने वाला हूँ. ये है गाइस Realme Buds Wireless 3, डीप बेस हमने यहाँ पे रख दिया है एज यूजुअल, और डायनामिक बेस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सिंगल ड्राइवर है 13.6 mm के ड्राइवर से, तो इसमें कोई वैसा दिक्कत वाली फ्लिकर वाली चीज है ही नहीं. ठीक है, और यहाँ पे हमने ये स्पेशल ऑडियो ऑफ कर दिया. ओके, और जो वॉल्यूम के पॉइंट्स है ना, एज यूजुअल मैं 6 और 7 ही रखता हूँ. अभी मैं टेस्ट कर रहा था तो मैंने फुल करके रखा था, टेस्ट कर लिया पूरा एकदम देखता कि तो फुल पे अभी नहीं उठने रखा था. 1 2 3 4 5 6 7 देखता हूँ, अगर कम करना होगा तो 1 पॉइंट कम कर दूंगा या तो फिर बढ़ा दूंगा अगर मेरे को ग्राफ में अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो. ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे फुल रख रहा हूँ डायनेमिक बेस. पहले यहाँ पे डायनेमिक बेस अभी चलिए बंद कर देता हूँ, पहले इसमें सुन लीजिए, फिर मैं चालू कर दूंगा. ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Facing
and feel fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. गाइस मैंने कुछ बताना भी भूल गया था उस समय जो इसके पहले नहीं बता पाया। रियलमी बड्स वायरलेस 3 में हर एक TWS में जिसमें भी आप बेस वाले गाने फुल साउंड में सुनोगे तो आपको नॉइस कैंसलेशन ऑफ करना ही पड़ेगा अगर उसमें नॉइस कैंसलेशन है तो, और बेस वेस अगर आप फुल कर रहे हो तो। रियलमी बड्स एयर 5 प्रो इसमें हमने डीप बेस में रखा हो, बाद में मैं कस्टम इक्वलाइजर कर दूंगा ऐसे जैसे कि मैंने वायरलेस 3 में किया था। और स्पेशल ऑडियो ऑफ रखा है मैंने और डायनेमिक बेस भी ऑफ रखूंगा मैं। डीप बेस में रखना पड़ेगा या तो कस्टम जो दिखाया उसमें रखेगा, स्पेशल ऑडियो भी ऑफ रखेगा और डायनेमिक बेस भी ऑफ रहेंगे इसी में टेस्ट, तभी आपको वो जो फ्लिकरिंग साउंड है वो नहीं आएगा, अच्छा खासा बेस आएगा। अगर आप बेस सुनना चाहते हैं तो इसमें Realme Buds Air 5 Pro में, ताकि विदाउट डिस्टॉर्शन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के। ओके और गाइस Realme Buds Air 5 Pro में मेरे को 9 पॉइंट्स तक रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने डायनेमिक बेस ऑफ कर दिया है और स्पेशल ऑडियो ऑफ कर दिया है, ठीक है। और LDAC में ही है और जो वो आपको दिखाना चाहता था मैं वो दिखा देता हूँ। LDAC का जो प्लेबैक क्वालिटी हमने रख दिया है यहाँ पे 990 kbps जैसे कि आपको दिख ही रहा है, इसी में हम टेस्ट करने वाले हैं। जितना मैक्सिम हो सके उतना आउटपुट निकालने की हम कोशिश करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं आपको सभी में मैंने ज्यादा ही रखा है, एक्सट्रीम में ही रखा है, यहाँ से और एक्सट्रीम कर दिया मैंने 990 kbps कर दिया है। ओके सॉरी ओके अब हो गया, ऑप्टिमाइज फॉर ऑडियो क्वालिटी। ओके We'll be right back.
तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, पसंद है तो बिल्कुल लाइक करेगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर करेगा। बहुत से लोग वीडियोस देख के जाते हैं, मतलब वीडियोस में 8-8, 10-10 हज़ार व्यूज मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बेस 1000 ही है, तो मेरे लिए बड़ी बात है कि 10-10 हज़ार लोग वीडियोस देख के जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करता है, थोड़ा दिक्कत है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हेल्प कर दी इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आप जो भी नए सब्सक्राइब कर रहे हैं सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, आपके कारण ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चैनल थोड़ा भी जॉगिंग पे आया है, पहले रेंग रहा था, चलना शुरू हुआ, अभी थोड़ा दो जॉगिंग पे है, तो इसको भी दौड़ाना है गाइस, ठीक है। तो आप लोग के हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सो गाइस आई होप कि मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया होगा, एंड यूजुअल पसंद आया तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा। सो गाइस मिलते हैं फिर, और हाँ कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस एंड ऑलवेज बी फियरलेस।